आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे है। अधिकतर बच्चे आज के टाइम पे मुझे पर्सनली डीएम करके पूछते हैं कि सर हमें डिस्टेंस लर्निंग करनी है, सर हमें ओपन लर्निंग करनी है, हमें घर से अपनी डिग्री लेनी है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स कह लो, एमबीए कह लो, ये सब घर से पॉसिबल है क्या? हम घर से बैठ के अपने ही शहर से सारी चीजें कर सकते हैं? अधिकतर बच्चे ये सवाल मेरे से पूछते ही है और उनके दिमाग में जो एकमात्र ऑप्शन रहता है इन डिस्टेंस लर्निंग के लिए वो है DUSOL। बच्चे मेरे पास जब आते हैं वो बोलते हैं भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैसा है, क्या ये अच्छा है एडमिशन लेने के लिए, या फिर इग्नू जो इग्नू है क्या ये अच्छा है कि यहां एडमिशन लेना चाहिए? तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, भैया देखो आप सभी को बोल रहा हूं कि अच्छा है, नो डाउट बड़ी ऑप्शन है, बट ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी ऑप्शंस है आपके पास। मैं भी आपको बताता हूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बढ़िया है, नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ कॉन्स है, प्रोस भी है, कुछ एडवांटेजेस भी है, बट डिसएडवांटेज बहुत सारी है जो अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है, जिस वजह से वो गलती कर जाते हैं। इसी बारे में मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो बेटा। देखो बात ऐसा है कि अधिकतर टाइम आपको पता तो होता है कि जो रेगुलर कॉलेज हो गया, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें कौन कौन सी अच्छा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता है रेगुलर में बहुत अच्छा है और रेगुलर के लिए आपके पास बहुत कॉलेजेस है, लेकिन जब बात आती है डिस्टेंस की तो आपको ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। इसीलिए अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप गलती कर बैठोगे, है ना, आपकी करियर का सवाल है। तो देखो DUSOL बढ़िया अगर आप सोचते हो, लेकिन इसकी कुछ प्रोज है जैसे मैं बता दूं और कुछ कॉन्स है। तो प्रोज में जैसे आप मान के चलो कि यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप ध्यान से सुनो कि सबसे पहले तो आपकी एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, अगर आप ओपन लर्निंग के लिए कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हो, इंस्टीट्यूशन देख रहे हो, बढ़िया है, वेल नोन है, सबको जान रहा है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और यहां पे फीस बहुत कम है। ये दो ही प्रोज मुझे ऐसे लगे हैं जो DUSOL की है, मतलब फीस सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है और ये अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड है, हर कोई जान रहा है DUSOL या फिर इग्नू जैसे यूनिवर्सिटी को। लेकिन जब मैं इसकी कॉन्स को गिनाने बैठूं तो आपको बहुत सारे कॉन्स नजर आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज नहीं है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज अगर आप करना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है, एमबीए करना चाहो कहां से पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल यहां पे क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, आप जो एडमिशन ले लोगे बेटा उसके बाद आपको जो स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे वो उस लेवल के नहीं होते हैं, आपको खुद से सारी चीजें पता करना होता है। देखो क्या है ना कि तुम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो तो तुम्हें गाइड करने वाला तो कोई टीचर नहीं ना है, जो तुम कॉलेज में जा रहे हो तुम्हें कॉलेज से ही सारे टीचर गाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, डेली कॉलेज जा रहे हो ये पॉसिबल तो नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो अगर तुम्हें अच्छे स्टडी मटेरियल्स ना मिले तो तुम्हारी पढ़ाई तो गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की वजह से, सरकारी यूनिवर्सिटी होने की वजह से अच्छा है लेकिन काफी स्लो काम करता है, काफी धीरे धीरे चलती है, सरकारी काम है आपको पता ही है, और ऊपर से वेबसाइट इनकी उतनी ज्यादा एडवांस भी नहीं है, सरकारी वेबसाइट है, टेक्निकली ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, आप कह सकते हो, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर DUSOL की जो पूरी सिस्टम काम कर रही है ओपन लर्निंग में। उसके बाद आपकी एग्जाम जो यहां पे होती है उसकी रिजल्ट आती है, ये सब फिक्स्ड डेट अभी भी बहुत मुश्किल है पता होना, नहीं पता चल पाता बच्चों को कब क्या है नहीं है। उसके बाद यहां पे जैसा मैंने कहा वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज नहीं है, करियर ऑप्शंस आपको देखने को उतने नहीं मिलते हैं, या फिर आपकी प्लेसमेंट जो सबसे बड़ी बात है, भैया तुमको ढंग से प्लेसमेंट होगी नहीं तो क्या फायदा डिग्री करके, SOL है, ओपन लर्निंग है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ ली, है ना, प्लेसमेंट की दिक्कत आ जाती है। फिर आपकी करियर काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत तरीके की समस्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, करियर काउंसलिंग देने वाला नहीं है, तो ये दिक्कत क्या है ना कि बच्चों को पता नहीं है कि क्या उनके पास अदर ऑप्शन है भी या नहीं। तो बिल्कुल है, आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL को छोड़ के या इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के बहुत बड़े बड़े अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है भारत में जो आपको ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग करा रही है, बस आपको पता नहीं है। मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट 70 से भी ज्यादा UGC अप्रूव्ड भारत में यूनिवर्सिटी है जो आपको घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग का फैसिलिटी दे रही है, तो आपको ये चीज पता कैसे चलेगा, कैसे आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी डिस्टेंस लर्निंग कर पाओगे, चाहे कोई सी भी कोर्स हो जहां पे आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी लगे, फीस भी अच्छी खासी हो, है ना, सारी चीजें आपको देखने को मिले, सारी सुविधाएं, ईच एंड एवरीथिंग, आप सारी डिटेल कैसे पता कर पाओगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है collegevidya.com। ओके, कॉलेज विद्या ये जो वेबसाइट है इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर चेक करें। ये मैं पर्सनली अपने तरफ से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि डिस्टेंस लर्निंग की जब बात आती है ना तो कॉलेज विद्या आपकी बहुत हेल्प करती है, सीरियसली। आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल से, अपने फोन से, अभी मैं दिखाऊंगा, सिर्फ पता कर सकते हो कि भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, वेल नोन इंस्टीट्यूशन जो आपको डिस्टेंस लर्निंग ऑफर कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग आप पता कर सकते हो, इवन सारी यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो, काफी इजी टू एक्सेस प्लेटफॉर्म है। यहां पर 70 से भी ज्यादा कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म में 70 से भी ज्यादा यूजीसी अप्रूव्ड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो भी कह लो यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, यूजीसी अप्रूव्ड मतलब जिसकी सर्टिफिकेट को लेकर के आप फ्यूचर में कल को जॉब भी उठा सकते हो, आपकी प्लेसमेंट भी लगेगी। तो ये कैसे सारी सिस्टम काम करती है स्क्रीन पे देखो, अभी मैं आपको ये शानदार सी कॉलेज विद्या वेबसाइट एक्सप्लोर करके दिखाता हूं, चला के दिखाता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को खोलो और सेम वेबसाइट को आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ये है collegevidya.com की वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पर इस वेबसाइट को खोलते ही आपको यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेस या स्किल कोर्सेस जितने भी तरीके की कोर्सेस होती है हर कोर्सेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी, समझ गए। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको पीजी में एमबीए कोर्स करना है तो आपने एमबीए सिलेक्ट करा, आपको एमबीए के लिए यूनिवर्सिटीज पता करनी है भारत में कौन कौन सी अच्छी है, या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए पता करना है, यूजी के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने डायरेक्टली उस पर सिलेक्ट करा, मैंने एमबीए पे फॉर एग्जांपल अभी सिलेक्ट करा, आप भी चेक कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी डिटेल यहां पे फिल करनी पड़ेगी, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी सी अपनी सारी पर्सनल डिटेल भर देना, मोबाइल नंबर है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया आप कितना टाइम दे सकते हो दिन में, वीकली बेसिस पे, यहां पर मतलब उस कॉलेज में आपकी बजट कितनी है, कितना तक आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, क्वालिटी कितना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है,
ये सारी चीजें, फीस जो है वो आप कैसे देना चाहते हो, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना बहुत ईजी आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछ रहे ताकि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आंसर कर देना बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे ऐसे जो एमबीए करा रही है डिस्टेंस में, मतलब जितने भी भारत में बड़े बड़े यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, आई रिपीट यूजीसी अप्रूव्ड जो आज के टाइम पे एमबीए करा रही है वो सारे खुल जाएंगे। अब इसमें से आपने फॉर एग्जांपल एलपीयू सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, एलपीयू सिलेक्ट कर लिया। अब एलपीयू सिलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करना है कि आपने एलपीयू का सारा डिटेल आप देख सकते हो कि एलपीयू में क्या चीजें होती है, कैसे होती है, क्या कॉलेज की रिव्यू है, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। और इसके साथ साथ अगर आपको एक और कॉलेज यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आपको जैन यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है एलपीयू के साथ, जैन को भी कंपेयर करना है, तो आप जैन को भी सिलेक्ट कर लोगे कंपेयर वाले ऑप्शन पे और एलपीयू सिलेक्ट कर लोगे, और साथ में अब आप इनकी सारी चीजें देख सकते हो कि फीस कितनी है, ई लर्निंग ऑप्शन है या नहीं, क्लासेस है या नहीं, प्लेसमेंट है या नहीं, स्टूडेंट्स की रेटिंग क्या है दोनों यूनिवर्सिटीज की, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, सारे रिव्यू पता कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल अब आपको दोनों में से एलपीयू पसंद आया, तो वहीं पर आप एलपीयू की डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहां पर ऑप्शन दे रखा होगा प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, उस पर क्लिक करके आप प्रॉपर एलपीयू की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाओगे, तो वहीं से आपको सारी चीजें पता लग जाएगी, वो आपको गाइड भी कर देंगे इस वेबसाइट पर, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर ऑप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म दे रही है। अपने घर पर बैठ के अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर लो, लैपटॉप से करो, बस पूरी की पूरी आपकी डिस्टेंस लर्निंग ना बढ़िया जगह से होनी चाहिए, ये मेरा भी उद्देश्य है और ये कॉलेज विद्या का भी उद्देश्य है। ये रहेगी पूरी की पूरी आपकी मतलब सिस्टम जिससे आप पता कर सकते हो घर पर बैठ के बहुत इजीली तरीके से कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है फॉर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ओके, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट, ओके। तो अगर आप चेक करना चाहो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जाओ, ईच एंड एवरीथिंग पता लग जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं दिल से, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, कि प्लीज जब एजुकेशन की बात आती है ना तो कॉम्प्रोमाइज मत करना, प्लीज मत कॉम्प्रोमाइज करना, घर से बैठ कर ही पढ़ रहे हो ना, रहने का खर्चा तो बहुत आपका बच जाएगा, तो थोड़े बहुत पैसे आप अपने एजुकेशन में लगा सकते हो जिससे आपको एक अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिले, ओके। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय।